राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज, सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नक्षत्रों की चर्चा में आज चर्चा दूसरे नक्षत्र की करेंगे। नंबर दो नक्षत्र इन द जोडियक बेल्ट, भरणी नक्षत्र, जिसका नाम है राशि चक्र का या भचक्र का दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का राशि पथ मेष राशि में 13 डिग्री 21 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है, यानी कि 13 डिग्री 21 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक मेष राशि में इतनी डिग्री का अगर कोई ग्रह होगा तो वो भरणी नक्षत्र में माना जाएगा। भरणी नक्षत्र का जो सिंबल है वो है वेजाइना, योनि, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और भरणी नक्षत्र के देवता हैं यम, जो कि मृत्यु के देवता हैं, धर्म के देवता भी जिन्हें कहा जाता है। नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्रदेव और मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। मानव गण का राजसिक गुणों वाला ये नक्षत्र है। वर्ण शूद्र है और पृथ्वी इसका तत्व है। अब कोई भी ग्रह जो 13 डिग्री 21 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक मेष राशि में होगा तो भरणी नक्षत्र में माना जाएगा। चंद्रमा इन सभी ग्रहों में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा डिसाइड करता है कि आप किस तरह से सोचेंगे। आपके मन का झुकाव चंद्रमा तय करता है। आपकी पसंद नापसंद को चंद्रमा बताता है। चंद्रमा जब भरणी नक्षत्र में होगा तो उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि इसका सिंबल है योनि, यानी कि इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य योनि से ही जन्म लेते हैं। नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र, जो कि रचनात्मकता और क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस नक्षत्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण हो जाता है रचनात्मकता और क्रिएटिविटी। भरणी नक्षत्र का संबंध भरण पोषण से भी है, जैसे माँ बच्चे को पालती है। देवता इनके यमराज हैं, जन्म और मृत्यु का हिसाब रखने वाले। और अग्नि तत्व की राशि है मेष, जिसके स्वामी है मंगल, यानी कि इस नक्षत्र के जातक ऊर्जावान, साहस और पराक्रम से भरे हुए तो होंगे ही। शुक्र की रचनात्मकता और मंगल की हिंसात्मकता यानी कि उग्रता का मिश्रण है ये नक्षत्र। इसलिए जिंदगी में उतार चढ़ाव देने वाला नक्षत्र होता है भरणी नक्षत्र। इस नक्षत्र के जातक रचनात्मक क्षेत्रों में आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, होटल मैनेजमेंट, खाने पीने की चीज़ों से संबंधित जो काम रहते हैं, सलाह देने वाले कंसल्टेंट और अच्छे केयर टेकर जो लोग होते हैं, यानी कि गुड नर्सिस, गायनी डॉक्टर्स, बच्चों के डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, दिमाग के डॉक्टर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, इस तरह के जो ये कैरियर हैं, प्रोफेशन हैं, इस नक्षत्र के जातकों का झुकाव इनमें होता है। मेष राशि के ही अश्विनी और भरणी दोनों नक्षत्र हैं, लेकिन जैसे अश्विनी नक्षत्र क्रूरता और जिद को साथ लेकर आगे बढ़ता है, भरणी नक्षत्र वाले इससे थोड़ा सा क्रूरता और जिद्दी जो एटीट्यूड है उसमें कमी दिखाते हैं। अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, सहन शक्ति इनके अंदर ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर अगर भरणी नक्षत्र का एक डॉक्टर है तो अश्विनी नक्षत्र के मुकाबले वो ज़्यादा दया भावना वाला होगा। भरणी नक्षत्र शुक्र स्वामी और राशि के स्वामी है मंगल, तो दोहरी मानसिकता वाला नक्षत्र है ये। शुक्र अगर ज़्यादा प्रभावी है तो अच्छा कलाकार यानी कि क्रिएटिविटी में आपको ले जाएगा, और मंगल अगर ज़्यादा प्रभावी है, मजबूत है आपके जन्मांक में, तो एग्रेशन, आर्मी पुलिस या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन भरणी नक्षत्र के जातक बार बार नुकसान उठाकर भी जल्दी संभल जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र की तरह ही भरणी नक्षत्र वाले भी गो गेटर्स तो होते ही हैं। अति महत्वाकांक्षा, मल्टीपल अफेयर्स, ज़्यादा दिखावा, इन चीज़ों से इनको बचना चाहिए। भरणी नक्षत्र की ऊर्जा भी पहले चरण से चौथे चरण तक घटती जाती है। यही कारण है कि दो अलग अलग व्यक्ति मेष राशि और सेम भरणी नक्षत्र में होने के बावजूद भी अलग अलग सोच सकते हैं। उनका जो व्यवहार है वो आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि जो पहले चरण से चौथे चरण तक जो एनर्जी घटती है, ऊर्जा घटती है नक्षत्र की, वो सेकंड्स के हिसाब से बदलती रहती है। भरणी नक्षत्र के बारे में इतना ही। राम राम।